हेलो कमांडोज, वेलकम टू बायोमेंटर्स क्लासेस ऑनलाइन। और इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट के बारे में। तो मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स में अभी तक इतना बता दिया था कि अगर इलेक्ट्रॉन पेयर डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, ठीक है, तो पार्शियल और कंप्लीट डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर, पार्शियल और कंप्लीट डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर इन अ मॉलिक्यूल ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन, पार्शियल और कंप्लीट डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन, पार्शियल और कंप्लीट डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन, इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट। तो इस फिनोमेना को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट। और ये चार टाइप का होता है, इंडक्टिव इफेक्ट, इन शॉर्ट फॉर्म इट इज नोन एज आई इफेक्ट, इट इज इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, सेकंड हमने बात किया इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट के बारे में, थर्ड इज द मेसोमेरिक इफेक्ट और रेजोनेंस, एंड द लास्ट वन इज हाइपर कॉन्जुगेशन और बेकर नाथन्स इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन और बेकर नाथन्स इफेक्ट। तो चार टाइप का होता है इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट, देयर आर फोर टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट। पहले के बारे में हम बात करते हैं, उसके पहले इंडक्टिव इफेक्ट शुरू करें, दो ग्रुप के बारे में पहले मैं आपको बताता हूं, तो फिर उसके बाद शुरू करते हैं, जिससे वो चीजें आपको आसानी से समझ में आए, तभी तो काम होगा, क्योंकि इसको बहुत अच्छे से समझना है। तो देखो, एक इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग बोलेंगे ईडब्ल्यूजी से, इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप का मतलब हुआ इलेक्ट्रॉन खींचने वाले ग्रुप, मतलब जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ को खींचेंगे, ऐसा समझ लीजिए, जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ को खींचेंगे, जैसे फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, इसके बाद आपका नाइट्रो है, सिक्वेंसिंग की बात कर रहे हैं कि जो शॉर्ट ऑक्टेट होंगे या ऐसे ग्रुप जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो अपनी तरफ को इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे, अपनी तरफ दूसरे के इलेक्ट्रॉन पेयर को खींचेंगे, तो इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप, इन शॉर्ट फॉर्म इट इज नोन एज ईडब्ल्यूजी। दूसरी बात करेंगे हम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, मतलब इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन देने वाले समूह, जो इलेक्ट्रॉन किसी को भी डोनेट करने वाले हैं, जैसे ऑक्सीजन माइनस है ओ माइनस, सी ओ ओ माइनस। इसके बाद मैंने आपको अल्काइल्स के बारे में बताया था कि मिथाइल, इथाइल, ये सब इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, तो इट इज इंडिकेटेड बाय ई डी जी, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ठीक है। तो ये दोनों चीजें क्लियर हो गई, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग मतलब दूसरे का इलेक्ट्रॉन अपने तरफ को खींचने वाले, जो इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ को खींचेंगे, मतलब अगर किसी कार्बन चेन में वो जुड़े हैं तो इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ को खींच लेंगे, और दूसरे क्या, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाले, मतलब अगर ये किसी कार्बन चेन के साथ जुड़े हुए हैं तो कार्बन चेन को इलेक्ट्रॉन देने वाले हैं, कार्बन चेन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाने वाले हैं, और ये क्या है, कार्बन चेन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करने वाले ग्रुप है। फिर से क्लियर, इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप मतलब जो दूसरे का इलेक्ट्रॉन अपने ओर खींचेंगे, जिसके साथ जुड़े हुए हैं, जिस भी कार्बन चेन पर जुड़े हुए हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ को खींचेंगे। मतलब अगर मैं कार्बन चेन की बात करूं, देखो ये एक मेरे पास मान लो कार्बन चेन है, अब यहां पे कोई इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप जुड़ा हुआ है, देयर इज ई डब्ल्यू जी, इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप, तो व्हाट हैपेंस, These groups attract the sigma bond electron pair towards, ये group sigma bond electron pair को अपनी ओर खींचेंगे, अपनी ओर खींचेंगे, मतलब ये कैसे हो गए, negative charge हो गए, और ये कैसा हो गया,
पॉजिटिव चार्ज हो गया, ठीक है। तो देयर इज पोलारिटी, पोल तो फॉर्म हुआ ना, देयर इज फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव पोल, पॉजिटिव और नेगेटिव पोल का फॉर्मेशन हुआ। और अगर ये पॉजिटिव है तो इसका इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ को शिफ्ट होगा, इसका इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ को शिफ्ट होगा, तो पोलारिटी हालांकि कम होती जाएगी लेकिन रहेगी तो सही पोलारिटी। तो दिस इज पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, तो कोई भी जो आई इफेक्ट है वो चार कार्बन एटम तक वैलिड होता है, ये बात भी ध्यान रखना है। तो देखो, when there is electron withdrawing group with carbon chain, अगर electron withdrawing group carbon chain के साथ attach है तो वो क्या करेगा, carbon chain से electron अपनी तरफ को खींचेगा, ठीक है। sigma bond electron pair को displace कर दिया उसने, तो the displacement of sigma bond electron pair, the displacement of sigma bond electron pair, displacement of sigma bond electron pair, okay, the displacement of sigma bond electron pair induced permanent polarity in the molecule, displacement of sigma bond electron pair induced permanent polarity in the molecule। तो पहले हम लोग डेफिनेशन पे ही बात कर लेते हैं, वो भी लिखते चलते हैं साथ में। तो इंडक्टिव इफेक्ट, डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन पेयर, डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन पेयर इंड्यूस्ड परमानेंट पोलारिटी इन द मॉलिक्यूल आर इन द सिस्टम, इन द मॉलिक्यूल इंड्यूस्ड परमानेंट पोलारिटी इन द मॉलिक्यूल और सिस्टम, ओके, इन द मॉलिक्यूल और सिस्टम, इज कॉल्ड इंडक्टिव इफेक्ट। इसको हम कहते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। तो एक बात क्लियर हो गई कि अगर कार्बन चेन से कोई इलेक्ट्रॉन विड्राइंग या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जुड़ा हुआ है, इलेक्ट्रॉन विड्राइंग और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, उसको इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग भी कह सकते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो देखो, अब फिर से वापस से आते हैं, डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन पेयर, सिग्मा बंद इलेक्ट्रॉन युग्म का विस्थापित होना जो कि अणु के अंदर स्थायी रूप से ध्रुवों का निर्माण करता है, इंड्यूस परमानेंट पोलारिटी इन द मॉलिक्यूल इज कॉल्ड इंडक्टिव इफेक्ट। अभी हमने प्लस माइनस के बारे में कुछ बात नहीं किया, केवल ये बताया आपको कि इसको हम, अगर सिग्मा बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन पेयर डिस्प्लेस हो रहा है तो मॉलिक्यूल में परमानेंट पोलारिटी जनरेट हो जाएगी, परमानेंट पोलारिटी इंड्यूस हो जाएगी, इसको हम कहेंगे दिस इज नोन एज इंडक्टिव इफेक्ट। तो ये है इंडक्टिव इफेक्ट, आपको बात समझ में आई। अब देखो, इंडक्टिव इफेक्ट जो है इट इज आर ऑफ टू टाइप्स और इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है वो दो टाइप का होता है, दैट इज पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट एंड नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। तो वन बाय वन हम बात करते हैं दोनों के बारे में। पहले बात कर लेते हैं नेगेटिव आई इफेक्ट के बारे में, नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट कब कहेंगे हम और पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट कब कहेंगे। तो पहले इस सिस्टम को आपने अभी ऑब्जर्व किया अच्छे से, जब इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप अटैच था, ठीक है। तो देखो क्या क्या कंडीशन दिखेगी आपको, नेगेटिव आई की बात कर रहे हैं हम लोग, नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट कब कहेंगे इसको हम, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट कब कहेंगे। ये बात क्लियर है कि इलेक्ट्रॉन विड्राइंग या डोनेटिंग ग्रुप अगर कार्बन चेन पर अटैच होगा तो वो डिस्प्लेस तो करेगा इलेक्ट्रॉन, मे बी अपनी साइड या कार्बन चेन की साइड। तो अगर इलेक्ट्रॉन पेयर का डिस्प्लेसमेंट हुआ, सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन अगर परमानेंटली डिस्प्लेस हुआ, तो इस फिनोमेना को हम कहते हैं इंडक्टिव इफेक्ट, तो परमानेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन पेयर। अब बाकी हम बढ़ते हैं आगे की, इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप अगर यहां पे जुड़ा हुआ है, देयर इज इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप, तो व्हाट हैपेंस हियर, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर को अपने तरफ खींच लेगा एंड इट बिकम्स नेगेटिव एंड दिस वन इज बिकम्स पॉजिटिव। तो कार्बन चेन या सिस्टम पे हमारे
पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा, एक बात ये ध्यान रखना है। दूसरी बात ये ध्यान रखना है कि इट इज वैलिड अप टू 4 कार्बन एटम, 4 कार्बन एटम के बाद ये इफेक्ट न्यूट्रलाइज हो जाता है। जैसे इलेक्ट्रॉन पुल होना जब शुरू होगा तो जब ये इसकी तरफ खींचेगा तो ये पॉजिटिव वाला में से बगल वाले इलेक्ट्रॉन को पार्शियली डिस्प्लेस करने की कोशिश करेगा, इसलिए 4 कार्बन तक ये इफेक्ट चलता रहेगा। ठीक, अब बात कर रहे थे हम लोग नेगेटिव आई इफेक्ट के बारे में। तो वाई How it is defined that it is negative or positive I effect? हाँ, तो पहले हमने negative के बारे में बात किया। तो देखो, जब electron withdrawing group carbon chain से attach है तो sigma bond electron pair का displacement किधर है? Electron withdrawing group की तरफ है। मतलब क्या हो रहा है? सिग्मा जो हमारा कार्बन चेन है, जो हमारा सिस्टम है, उस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो रही है। तो क्या ध्यान रखेंगे? When इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप अटैच्ड विद अ कार्बन चेन और विद अ सिस्टम विद अ कार्बन चेन अटैच विद अ कार्बन चेन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन पेयर द डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन पेयर टुवर्ड्स डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन पेयर टुवर्ड्स इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन पेयर टुवर्ड्स इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप। तो सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन पेयर का डिस्प्लेसमेंट किधर हुआ? इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप की तरफ हुआ। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन पेयर टुवर्ड्स इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप। डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस फ्रॉम कार्बन चेन, और कार्बन चेन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हुई। डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस फ्रॉम कार्बन चेन। हालांकि आपको चेन पे पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है, तो पॉजिटिव चार्ज देखने से आप मत समझिएगा कि ये पॉजिटिव आई इफेक्ट है। नहीं, इट इज नेगेटिव आई इफेक्ट, क्योंकि कार्बन चेन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का डिक्रीज होना, कार्बन चेन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का कम होना नेगेटिव आई इफेक्ट है। किसी के पास कुछ था, वो चला गया, तो वो अभी नेगेटिव हो गया है ना। अगर वो चला गया, कुछ था हमारे पास, उसको किसी ने ले लिया, तो अभी हमारे पास कुछ नहीं बचा, ऐसा सिस्टम है यहाँ पे। व्हेन इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप अटैच विद कार्बन चेन देन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन पेयर टुवर्ड्स इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस फ्रॉम द कार्बन चेन इज कॉल्ड नेगेटिव आई इफेक्ट। तो इसको कहते हैं नेगेटिव आई इफेक्ट, इसको कहते हैं नेगेटिव आई इफेक्ट। तो जब भी कोई मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप या इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप या शॉर्ट ऑक्टेट वाला ग्रुप कार्बन चेन या किसी भी सिस्टम पर अटैच होगा, तो वो इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या करेगा? अपनी तरफ को खींचेगा। व्हेन देयर इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन, सिग्मा भी को भी ध्यान रखना है, सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन पेयर का अगर इस तरीके से डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो इसको हम क्या कहेंगे? इट इज नोन एज नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। इसको हम कहेंगे नेगेटिव आई इफेक्ट, नेगेटिव आई इफेक्ट। तो सिस्टम कैसा हो रहा है? देयर इज सिस्टम इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। सिस्टम कैसा हो रहा है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो रहा है। तो अगर सिस्टम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो रहा है, तो वो कैसा हो रहा है? एसिडिक हो रहा है कि बेसिक हो रहा है? कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? सिस्टम कैसा हो रहा है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, सिस्टम पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई है, तो वो पॉजिटिव, वो एसिडिक हो जाएगा या बेसिक हो जाएगा? तो देखो, जैसे हम कहते हैं अमोनिया बेस है क्योंकि उसके पास लोन पेयर है, अमोनिया बेस है क्योंकि उसके पास लोन पेयर है। इट मींस द इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज आर द बेस एंड इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट H+ ion, ठीक है? तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज आर द एसिड। तो नेगेटिव आई इफेक्ट का जो फैक्टर होगा वो क्या करेगा? इंक्रीज द
acidic nature of compound, increase the acidic nature of कंपाउंड, नेगेटिव आई इफेक्ट क्या करने वाला है, एसिडिक नेचर को बढ़ाने वाला है। कार्बन चैन या सिस्टम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो रहा है और जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है वो एसिड है। जैसे हम लोग ऐसा कहते हैं बोरोन ट्राइफ्लोराइड इज लुईसा एसिड, तो बोरोन 5 2+3, 3+3, 6 तो शॉर्ट ऑक्टेट है, तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो ये कैसा काम करेगा, इट इज एक्ट एज अ एसिड, तो ये एसिड के जैसा काम करेगा। हालांकि बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले, लेकिन बात समझ में आएगी तभी तो क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है ना। तो बहुत अच्छे से समझना है, तो व्हेन मिटाऊं उसके पहले एक बार फिर से समझ लेते हैं। वेर इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप इज अटैच टू द कार्बन चैन, अगर इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप कार्बन चैन से अटैच है तो इलेक्ट्रॉन पेयर का डिस्प्लेसमेंट किधर हो जाएगा, टुवर्ड्स इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप, टुवर्ड्स इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप, ओके। एंड देयर इज डेवलपमेंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑन द सिस्टम, और सिस्टम पर हमारे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ, बट दिस इज नॉट इंडिकेट द पॉजिटिव आई इफेक्ट, क्योंकि डेंसिटी कम हुई है, डेंसिटी कम हो गई, इलेक्ट्रॉन्स चले गए, इलेक्ट्रॉन कम हो गए, इसको हम क्या कहेंगे, नेगेटिव आई इफेक्ट, हमारे पास कमी आ गई, इट मींस नेगेटिव हो गए, तो नेगेटिव आई इफेक्ट, दिस इज नेगेटिव आई इफेक्ट। एंड व्हाट हैपेंस, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ नेगेटिव आई इफेक्ट, इंक्रीज द एसिडिक नेचर ऑफ कंपाउंड, सो नेचुरली डिक्रीज द बेसिक नेचर ऑफ कंपाउंड, डिक्रीज द बेसिक नेचर ऑफ द कंपाउंड, डिक्रीज द बेसिक नेचर ऑफ कंपाउंड, ये क्या करेगा, बेसिक नेचर ऑफ कंपाउंड को कम करेगा, तो नेगेटिव आई इफेक्ट इंक्रीज द एसिडिक नेचर एंड डिक्रीज द बेसिक नेचर ऑफ कंपाउंड। बीच में मैंने एग्जांपल्स भी लिए, बोरोन ट्राइफ्लोराइड जो है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, मतलब जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है वो एसिड के जैसा काम करेगा, और जितना डेफिशिएंसी होती जाएगी उतना स्ट्रॉन्गर एसिड होता जाएगा वो, हाँ, हायर द इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी स्ट्रॉन्गर द एसिड, मतलब मोर द नेगेटिव आई इफेक्ट मोर द एसिडिक नेचर, एक बात हम ऐसे ही कह सकते हैं, मोर द नेगेटिव आई इफेक्ट मोर द नेगेटिव आई इफेक्ट मोर द एसिडिक नेचर, मोर द एसिडिक नेचर, मोर द एसिडिक नेचर, तो नेगेटिव आई इफेक्ट जितना ज्यादा होगा एसिडिक नेचर उतना ही ज्यादा होगा, मोर द नेगेटिव आई इफेक्ट मोर द एसिडिक नेचर। नाउ अब डिस्कस करते हैं पॉजिटिव आई इफेक्ट, तो नाउ पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, तो देखो अब फिर से उसी तरह का फिनोमेना है ना, व्हेन देयर इज अ कार्बन चैन एंड नाउ इट इज अटैच विद इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप EDG, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप भी कह सकते हैं इसको, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, देन व्हाट हैपेंस हियर, द इलेक्ट्रॉन पेयर इज ट्रांसफर टुवर्ड्स कार्बन चैन एंड नाउ दिस इज बिकम्स पॉजिटिव and this one is becomes negative, it is again up to 4 carbon atom, और हमारा जो carbon chain है वो कैसा हो गया, electron rich हो गया है, electron rich, और जो group electron rich होते हैं वो it is highly basic in nature, वो highly basic होते हैं, ठीक है। तो फिर से एक बार थोड़ी बात कर लेते हैं, when carbon chain attached with electron donating group, carbon chain is attached with electron donating group, then due to displacement of sigma bond electron pair, displacement of sigma bond electron pair due to displacement of sigma bond electron pair, carbon chain becomes electron rich,
carbon chain becomes electron rich or density of electron increases on the system. System per electron density badhegi. So when carbon chain is attached to electron donating group, then due to displacement of sigma bond electron pair towards carbon chain, aisa bhi keh sakte the, when carbon chain is attached to electron donating group, then due to displacement of sigma bond electron pair towards carbon chain, keh dete hain towards carbon chain the density of electron increases and it becomes more basic and it becomes more basic aur hamara jo carbon chain hai wo electron rich ho jayega aur basic ho jayega more basic it is positive i effect to isko hum kya kahenge positive i effect to bas simple si ek baat dhyan rakhna hai कार्बन चेन से डेंसिटी कम हुई तो नेगेटिव आई कार्बन चेन पर डेंसिटी बढ़ी तो पॉजिटिव आई जो इलेक्ट्रॉन रिच है वो बेस है और जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है वो एसिड है ठीक है जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है वो एसिड है तो अब देखो पॉजिटिव आई ने क्या काम किया था नेगेटिव आई ने क्या काम किया था एसिडिक नेचर को बढ़ाया था और बेसिक नेचर को कम किया था एसिडिक नेचर को बढ़ाया था और बेसिक नेचर को कम किया था तो प्लस आई क्या कर रहा है कार्बन चेन की तरफ या सिस्टम की तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहा है और जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सिस्टम पर बढ़ेगी इलेक्ट्रॉन रिच होगा सिस्टम तो इट बिकम्स मोर बेसिक तो प्लस आई क्या करेगा इंक्रीज द बेसिक नेचर ऑफ द कंपाउंड इंक्रीज द बेसिक नेचर एंड अगेन डिक्रीज द एसिडिक नेचर ऑफ कंपाउंड डिक्रीज द एसिडिक नेचर ऑफ कंपाउंड तो प्लस आई एसिडिक नेचर को कम करता है और बेसिक नेचर को बढ़ाता है तो जैसे आपने यहां लिखा मोर द नेगेटिव आई इफेक्ट मोर द एसिडिक नेचर ऐसे यहां पे लिख सकते हैं मोर द प्लस आई इफेक्ट मोर द प्लस आई इफेक्ट जितना ज्यादा होगा मोर द प्लस आई इफेक्ट मोर द बेसिक नेचर प्लस आई इफेक्ट क्या करता है बेसिक नेचर को बढ़ाता है मोर द प्लस आई इफेक्ट मोर द बेसिक नेचर और जब हम लोग एसिडिक और बेसिक नेचर पर बात करेंगे तो इन सब चीजों की हमें जरूरत पड़ेगी ठीक है तो आगे बात करते हैं माइनस आई इफेक्ट एसिडिक नेचर को बढ़ाता है और प्लस आई इफेक्ट बेसिक नेचर को बढ़ाता है यहां तक क्लियर और मैंने आपको बताया कि जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो कितने कार्बन तक वैलिड होता है 4 कार्बन तक वैलिड होता है तो ये बात भी मैं लिख देता हूं ताकि आपको ये ध्यान रहे है ना तो अगली बात जो हम लोग करने वाले हैं अगला पॉइंट जो हम लोग लिखने वाले हैं वो है this effect is of no importance after fourth carbon तो चौथे कार्बन के बाद ये इफेक्ट वैलिड नहीं होता है उसका कोई इफेक्ट महसूस नहीं होता है तो नो इफेक्ट आफ्टर फोर्थ कार्बन तो दिस इज प्लस आई एंड माइनस आई इफेक्ट व्हेन कार्बन चेन इज अटैच्ड टू द इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप it becomes positive density of electron decrease from the system this is negative I effect when carbon chain is attached to electron donating group then carbon chain becomes electron rich
एंड दिस इज पॉजिटिव आई इफेक्ट। इसको हम क्या कहेंगे, पॉजिटिव आई इफेक्ट। तो पॉजिटिव आई इफेक्ट से बेसिक नेचर बढ़ता है, कार्बन चैन इलेक्ट्रॉन रिच होती है, और नेगेटिव आई इफेक्ट से एसिडिक नेचर बढ़ता है, कार्बन चैन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाती है। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब पॉजिटिव आई और नेगेटिव आई के जो ग्रुप्स हैं उनका जो सीरीज है उस पर बात करते हैं। तो दैट इज द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ नेगेटिव आई इफेक्ट, द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ नेगेटिव आई इफेक्ट। ये पूरी सीरीज है और ये याद करना पड़ेगी। ठीक है, तो नेगेटिव आई इफेक्ट का डिक्रीजिंग ऑर्डर सीरीज का, ओके, तो दैट इज R3N। R3N मतलब टर्शरी अमाइन, R3N पॉजिटिव है। और इसके बाद R3N H3N पॉजिटिव, ओके, मतलब हाईली इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। उसके बाद आएगा NO2, कॉमनली आपको यहां से जरूरत पड़ती है NO2 से, NO2 CN सल्फो SO3H, देन CHO, देन CHO के बाद COH। तो दिस इज द नेगेटिव आई सिक्वेंसिंग, नेगेटिव आई का डिक्रीजिंग ऑर्डर, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, उसके बाद आता है फिर OH, ओके, OH, फिर आएगा OR ईथर, OR, और उसके बाद आएगा NH2 फिर आएगा फेनाइल और फिर आएगा हाइड्रोजन। तो दिस इज द नेगेटिव आई सिक्वेंसिंग। चलो, नेगेटिव आई का सिक्वेंसिंग, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ नेगेटिव आई इफेक्ट, ओके, NO2 CN SO3H CHO COH फ्लोरोक्लोरोब्रोमो OH फ्लोरोक्लोरोब्रोमो आयोडो OH OR OR NH2 C6H5 एंड H। तो दिस इज द सिक्वेंसिंग ऑफ नेगेटिव आई इफेक्ट। अब देखो उसका एप्लीकेशन क्या है, एक छोटी सी बात बताता हूं तो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लो मेरे पास ऐसा क्वेश्चन आया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, इनमें से कौन सा सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, NO2 CH2 COH फ्लोरो एसिटिक एसिड, नाइट्रो एसिटिक एसिड, फ्लोरो एसिटिक एसिड, ओके, क्लोरो एसिटिक एसिड और कुछ भी ले लीजिए, क्लोरो एसिटिक एसिड, और ये आ गया CHO CH2 COH। अब इनमें से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड क्या है, तो क्या यूज करेंगे हम, नेगेटिव आई की सीरीज यूज करेंगे। तो विच वन इज द हाइएस्ट प्रायोरिटी ऑफ नेगेटिव आई इन दिस, तो NO2 इज द हाइएस्ट प्रायोरिटी, तो आंसर हो गया नाइट्रो एसिटिक एसिड। मतलब ये परफेक्टली याद होना जरूरी है ना, कई बार क्या होता है कि क्लोज टू क्लोज ग्रुप होते हैं तो फिर आपको आइडेंटिफाई करने में दिक्कत होगी अगर परफेक्टली याद नहीं है तो। तो दिस इज द यूटिलाइजेशन ऑफ द सीरीज, ये सीरीज का यूटिलाइजेशन है। ठीक है, तो दिस इज अबाउट द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ
सीक्वेंस ऑफ नेगेटिव आई इफेक्ट, ये नेगेटिव आई इफेक्ट का डिक्रीजिंग ऑर्डर है, नेगेटिव आई इफेक्ट का डिक्रीजिंग ऑर्डर है। अब बात करते हैं इसके बाद पॉजिटिव आई की सीरीज के बारे में। तो पॉजिटिव आई में डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्लस आई इफेक्ट, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्लस आई इफेक्ट, तो प्लस आई इफेक्ट का डिक्रीजिंग ऑर्डर। देयर इज ओ माइनस, सी ओ ओ माइनस, देन टर्शरी ग्रुप में आई इफेक्ट डोमिनेटेड होता है एज कंपेयर टू प्राइमरी एंड सेकेंडरी। टर्शरी, देन सेकेंडरी, देन लॉन्ग चेन एंड देन शॉर्ट चेन, देन शॉर्ट चेन, लॉन्ग चेन एंड देन शॉर्ट चेन। तो दिस इज द पॉजिटिव आई सिक्वेंसिंग, दिस इज द पॉजिटिव आई सिक्वेंसिंग। उसके बाद और लिख देते हैं, तो ड्यूट्रियम, और ड्यूट्रियम के बाद फिर प्रोटियम, हाइड्रोजन के दोनों आइसोटॉप्स हैं ड्यूट्रियम एंड प्रोटियम। तो दिस इज पॉजिटिव आई सिक्वेंसिंग, ये पॉजिटिव आई का सिक्वेंसिंग है। मोर द प्लस आई, मोर द बेसिक नेचर, मोर द माइनस आई, मोर द एसिडिक नेचर ऑफ द कंपाउंड। ओके, क्लियर। तो दिस इज अबाउट पॉजिटिव आई एंड नेगेटिव आई सीरीज। और अब क्या करते हैं, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट के बारे में बात करते हैं। इलेक्ट्रोमेरिक के बाद फिर मेसोमेरिक, फिर मेसोमेरिक रेजोनेंस, और उसके बाद फिर हाइपर कॉन्जुगेशन के बारे में बात करने के बाद फिर इनके कुछ क्वेश्चंस करेंगे एप्लीकेशन वाले, एसिडिक और बेसिक नेचर वाले। इस बार रेजोनेंस, इस बार हाइपर कॉन्जुगेशन तक पहले कवर कर लेते हैं, फिर क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो इट इज अबाउट द नेगेटिव आई, एंड आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। तो अगर इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप अटैच है, इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप अटैच है कार्बन चैन से, तो वो सिग्मा बॉन्ड को अपनी तरफ खींचेगा और कार्बन चैन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी। सिग्मा बॉन्ड का डिस्प्लेसमेंट हुआ, और जब भी सिग्मा बॉन्ड का डिस्प्लेसमेंट होगा टुवर्ड्स कार्बन चैन और टुवर्ड्स ग्रुप, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन पेयर इज कॉल्ड इंडक्टिव इफेक्ट। डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन पेयर इज कॉल्ड इंडक्टिव इफेक्ट। अगर ये इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप की तरफ जा रहा है तो कार्बन चेन पे डेंसिटी कम होगी, एंड दिस इज नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। मतलब जब कार्बन चेन पॉजिटिव होने लगे तो समझ जाओ कि ये नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट हो रहा है। और अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच है तो वो क्या करेगा, कार्बन चेन को इलेक्ट्रॉन रिच करेगा, कार्बन चेन को इलेक्ट्रॉन रिच करेगा। और जब कार्बन चेन इलेक्ट्रॉन रिच होगी, इट मींस वो नेगेटिव चार्ज होने लगेगी, इलेक्ट्रॉन रिच मतलब उस पे नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा, तो इलेक्ट्रॉन रिच होने लगेगी। तो दिस इज द पॉजिटिव आई इफेक्ट, और नेगेटिव आई से एसिडिक नेचर बढ़ता है, पॉजिटिव आई से बेसिक नेचर बढ़ता है। ये दो इंपॉर्टेंट बातें और ध्यान रखना है। देन अबाउट इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट और इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट के बारे में मैंने आपको बताया कि इट इज डेजिग्नेटेड बाय द कर्व्ड हेड एरो, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। अब देखो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट का क्या रिलेशन है उसके बारे में बात करते हैं। जैसे मान लीजिए एक ये ग्रुप है, ये CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो यहां पे डबल बॉन्ड लगा हुआ है, और ये सिस्टम अभी दोनों कार्बन की बैलेंसी। अब बोथ द कार्बन एटम्स आर 4, मतलब बाय बैलेंसी तो ये सैटिस्फाइड है, ठीक है। लेकिन यहां पे एक डबल बॉन्ड है, मतलब एक कमजोर बात तो है कि एक डबल बॉन्ड है, दिस इज अनसेचुरेशन, है ना, अनसेचुरेटेड तो है। तो अगर रिएक्शन के थ्रू सैचुरेट होने की कोशिश करेगा या कोई चीज इस पे आके जुड़ जाएगी तो ये ज्यादा स्टेबल हो सकता है, एंड अकॉर्डिंग टू टेंडेंसी कोशिश तो करेगा सैचुरेट होने की, ठीक है। तो जैसे मान लो इसमें मुझे HBr को जोड़ना है, तो व्हाट इज द चांसेस, यहाँ पे डबल बॉन्ड है और डबल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड होता है, एक पाई बॉन्ड होता है, है ना, डबल बॉन्ड कंटेनिंग वन सिग्मा बॉन्ड एंड वन पाई बॉन्ड। अब सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड में से वीक बॉन्ड कौन सा है,
पाई बॉन्ड इज द वीक बॉन्ड. पाई बॉन्ड कैसा है? वीक बॉन्ड है, मतलब जब ये अटैकिंग रिएजेंट इफेक्ट डालेगा उसके ऊपर, प्रेशर डालेगा कि मुझे जुड़ना है, तुम बॉन्ड को हटाओ, तो क्या करेगा वो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को डिस्प्लेस कर देगा. तो जो पाई बॉन्ड है, किसी को भी आप कंसीडर कर लीजिए, तो दैट पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन इज डिस्प्लेस, पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएगा. पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुआ तो पोलैरिटी इंड्यूस हो जाएगी, वन ऑफ देम इज बिकम नेगेटिव एंड अनदर वन इज बिकम्स पॉजिटिव. तो किसके प्रेजेंस के कारण पोलैरिटी हुई? HBr के कारण. दिस इज कॉल्ड अटैकिंग रिएजेंट. तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इन प्रेजेंस ऑफ अटैकिंग रिएजेंट, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इन प्रेजेंस ऑफ अटैकिंग रिएजेंट. अदरवाइज ये कैसी? टेम्परेरी है, थोड़ी देर के लिए होगी फिर न्यूट्रलाइज हो जाएगी. ठीक है, तो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन का उसमें क्या ध्यान रखेंगे, आई इफेक्ट में क्या हुआ था? सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन पेयर डिस्प्लेस हुआ था. सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन पेयर इज डिस्प्लेस्ड इन आई इफेक्ट. एंड नाउ इन इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट व्हाट हैपेंस? डिस्प्लेसमेंट ऑफ पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन पेयर, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन पेयर इन प्रेजेंस ऑफ अटैकिंग रिएजेंट, इन प्रेजेंस ऑफ अटैकिंग रिएजेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन पेयर इन प्रेजेंस ऑफ अटैकिंग रिएजेंट, आक्रमणकारी अभिकर्मक की उपस्थिति में, आक्रमणकारी अभिकर्मक की उपस्थिति में या आक्रमणकारी अभिकर्मक के कारण पाई इलेक्ट्रॉन का विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन, पाई बंद इलेक्ट्रॉन युग्म का विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन पेयर. तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन पेयर इन प्रेजेंस ऑफ अटैकिंग रिएजेंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट. ओके, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट. इट इज टेम्पररी इफेक्ट होता है. इट इज टेम्पररी इफेक्ट सिग्मा बॉन्ड. और आई इफेक्ट कैसा? परमानेंट इफेक्ट है. इट इज परमानेंट इफेक्ट. आई इफेक्ट इज द परमानेंट एंड ई इफेक्ट इज द टेम्पररी इफेक्ट. तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन पेयर इन प्रेजेंस ऑफ अटैकिंग रिएजेंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट. ओके, और कैसा है ये? टेम्पररी है. एंड देन वी आर टॉकिंग अबाउट वट इज द मीनिंग ऑफ पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक एंड नेगेटिव इलेक्ट्रोमेरिक. तो अब बात करते हैं पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक और नेगेटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट के बारे में. अबाउट पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक कब होगा और नेगेटिव इलेक्ट्रोमेरिक कब होगा. तो देखो, जैसे अभी हमने आपको बताया एक सिस्टम के बारे में कि एक मेरे पास ऐसा सिस्टम है CH2, यहाँ पे अटैकिंग रिएजेंट है जिसका एक पार्ट हमको दिख रहा था H+ और Br-. ठीक है, अब अगर मान लो इस बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन पेयर इस तरफ डिस्प्लेस होता है, डिस्प्लेस तो वो किसी भी तरफ हो सकता है, अभी फिलहाल वो किसी भी तरफ डिस्प्लेस हो सकता है. ठीक, लेकिन अगर मैंने उसको इस तरफ डिस्प्लेस किया तो यहाँ पे क्या जनरेट हुआ? नेगेटिव चार्ज. और यहाँ पे क्या जनरेट हुआ? पॉजिटिव चार्ज. तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट क्या है? टुवर्ड्स दिस कार्बन. और इसका पॉजिटिव चार्ज पोर्शन, मतलब जो अटैकिंग रिएजेंट है, वो भी किधर आ रहा है? सेम कार्बन पर. इसको मैं इसलिए इतनी सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि बुक में देखेंगे ना, कई बार बुक से कुछ समझ में नहीं आता कि हो क्या रहा है. और अगर फ्रेंकली कहूं तो मुझे भी समझने में बहुत टाइम लग गया था कि ये सब क्या चीजें हैं, क्या हो रही हैं. ठीक है, इसलिए बहुत आराम से धीरे धीरे हम लोग बात कर रहे हैं ना. तो देखो, ये पाई इलेक्ट्रॉन कार्बन का पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करके इस कार्बन की तरफ गया और इलेक्ट्रोमेरिक, और ये अटैकिंग रिएजेंट का जो इलेक्ट्रोफाइल है वो भी किसी कार्बन पर आ रहा है, उसी कार्बन पर. तो जब डायरेक्शन ऑफ
अटैकिंग रिएजेंट, पार्ट ऑफ अटैकिंग रिएजेंट और इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, दोनों सेम कार्बन पर है, दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो उसको हम क्या कहते हैं? पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट. तो दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट. इस फिनोमेना को हम कहते हैं पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट. क्लियर? वेल, तो पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट को कैसे ध्यान रखेंगे? देखो, फिर से एक बार बता देता हूं. ये डिस्प्लेसमेंट, ओके, ये हुआ आपका सिस्टम, सेंटर बोलते हैं, और ये हुआ आपका अटैकिंग रिएजेंट. आप इसको H प्लस, A प्लस कुछ भी लिख लो, A प्लस लिख लो. अगर इसका डिस्प्लेसमेंट इस साइड है तो क्या हो जाएगा? दिस वन इज बिकम्स नेगेटिव, दिस वन इज बिकम्स पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव किसके पास जाएगा? इसके पास. वेयर इज द ए पॉजिटिव? इसके पास आएगा ए पॉजिटिव. ठीक, तो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट का डायरेक्शन जिस कार्बन पर है, अटैकिंग रिएजेंट भी सेम कार्बन पर आकर जुड़ रहा है, तो ये है पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट. तो इन दिस इफेक्ट द डायरेक्शन ऑफ द डायरेक्शन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट The direction of electromeric effect, the direction of electromeric effect is towards that carbon at which electrophile attacks, जिस कार्बन की तरफ इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा है, अगर इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट की डायरेक्शन भी उसी कार्बन की तरफ है, तो इसको हम क्या कहेंगे? पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट. इस कॉल्ड पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट. इसको कहते हैं पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट. इट इज कॉल्ड पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, क्योंकि जितने भी एडिशन रिएक्शन होते हैं, ऑल एडिशन रिएक्शंस आर ड्यू टू इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट. सभी एडिशन रिएक्शन इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट के कारण होंगे, तो वहां पे इनकी आपको जरूरत पड़ेगी, इसलिए बहुत ही अच्छे से समझना जरूरी है. तो दिस इज पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट. अब बात करते हैं नेगेटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट के बारे में, अबाउट नेगेटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट. तो द कॉलम नेक्स्ट पॉइंट इज नेगेटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट. तो देखो, अगर मान लो कोई कार्बोनाइल कंपाउंड है ना, अब कार्बोनाइल्स है, तो यहां पे जो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट होगा, यहां पे क्या सिचुएशन थी? व्हाट इज द सिचुएशन दिस साइड? The electronegativity of both are the same. दोनों जो ग्रुप थे, दोनों जो कार्बन है, उनकी नेगेटिविटी कैसी है? सेम है. लेकिन यहां पे कैसे है? बोथ आर द डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव. दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसी है? अलग अलग है. तो अगर पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ तो इलेक्ट्रॉन पेयर किसके पास जाएगा? इलेक्ट्रॉन पेयर उसके पास जाएगा जिसके पास जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है. ठीक है, तो नेगेटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, ये कार्बोनाइल. ओके, अब इस पे जैसे HCN हम लेते हैं, तो ये CN- पहले नेगेटिव चार्ज इस पे अटैक करता है, उसके बारे में भी बताऊंगा मैं, पहले ध्यान रख दो. तो देखो, नाउ द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट इज टुवर्ड्स ऑक्सीजन. ये इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट का डायरेक्शन है, तो इट इज अवे फ्रॉम द
अटैकिंग साइड ऑफ अटैकिंग रिएजेंट, अटैकिंग रिएजेंट किस कार्बन पे आ रहा है, इस कार्बन पे, और डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट किधर है, टुवर्ड्स ऑक्सीजन, तो दिस इज नेगेटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट. तो व्हेन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट इज ऑपोजिट ऑफ, अपोजिट ऑफ डायरेक्शन, अपोजिट ऑफ डायरेक्शन ऑफ, अपोजिट ऑफ डायरेक्शन ऑफ अटैकिंग रिएजेंट, अटैकिंग रिएजेंट, अटैकिंग रिएजेंट के आने के डायरेक्शन से कैसी है, अपोजिट है. अटैकिंग रिएजेंट सी पर आ रहा है और ये किधर जा रहा है, ऊपर जा रहा है. तो नाउ द कंपाउंड इज CnOH. ओके, CnOH नहीं भी बनाएंगे आप तो कोई दिक्कत नहीं, बस ये ध्यान रखिए कि इसका डायरेक्शन किधर है, ऑक्सीजन की तरफ है, और अटैकिंग रिएजेंट का साइनाइड किधर आ रहा है, कार्बन पर आ रहा है, तो दोनों की डायरेक्शन कैसी है, ऑपोजिट है, दोनों के डायरेक्शन सेम एटम की तरफ नहीं है, तो इसको बोलेंगे नेगेटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट. तो व्हेन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट इज अपोजिट ऑफ डायरेक्शन ऑफ अटैकिंग रिएजेंट, अपोजिट ऑफ डायरेक्शन ऑफ अटैकिंग रिएजेंट, अपोजिट ऑफ डायरेक्शन ऑफ, डायरेक्शन ऑफ, डायरेक्शन ऑफ अटैचमेंट भी कर सकते हैं, अपोजिट ऑफ डायरेक्शन ऑफ अटैचमेंट, अटैचमेंट ऑफ अटैकिंग रिएजेंट. तो थोड़ा और क्लियरिटी आ जाएगी, अटैचमेंट ऑफ डायरेक्शन ऑफ अटैकिंग रिएजेंट. ओके, तो ये है नेगेटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, दिस इज नेगेटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट. अब मैंने आपको ये बताया कि यहां पे हम लोग बात कर रहे थे कि पहले साइनाइड क्यों आया, ये भी बता दूं. हालांकि ये केमिकल जब हम रिएक्शंस पढ़ेंगे ना, जब रिएक्शंस पढ़ेंगे तो सब चीज आ जाएगी, लेकिन आप देखो जैसे अभी थोड़ी सी बात कर लेते हैं. जैसे ये कार्बोनाइल था तो ये इसका डायरेक्शन हुआ और ये यहां पे सी एन माइनस और ये एच प्लस. तो सी एन माइनस पहले क्यों अटैक कर रहा है उसकी बात कर लेते हैं. तो जरा कार्बन की सिचुएशन देखो, चार्ज कैसा, पॉजिटिव. ये ऑक्सीजन के साथ दो और दो चार, एक उसने पाई बॉन्ड वाला इलेक्ट्रॉन पेयर भी ले लिया जिसके कारण वो नेगेटिव हुआ. तो इट्स चेक इट्स ऑक्टेट 2, 2, 4, 2, 6 and 2, 8. इसके पास पूरे आठ इलेक्ट्रॉन है, 2, 4, 6, 8 बॉन्ड वाले दो मिला के 8. इसका शॉर्ट ऑक्टेट है, ये कार्बोनियम आयन बन गया है, शॉर्ट ऑक्टेट है. तो जो शॉर्ट ऑक्टेट होगा, शॉर्ट ऑक्टेट, ओके, शॉर्ट ऑक्टेट अष्टक अपूर्ण है. शॉर्ट ऑक्टेट होगा तो कैसा होगा, हाईली रिएक्टिव होगा, हाईली रिएक्टिव, और पॉजिटिव चार्ज है उसके पास, सो इट नीडेड न्यूक्लियोफाइल, नीडेड न्यूक्लियोफाइल, उसको न्यूक्लियोफाइल की जरूरत है, नीडेड न्यूक्लियोफाइल. ओके, सो नेगेटिव चार्ज अटैक फर्स्ट, नेगेटिव चार्ज अटैक फर्स्ट, इसलिए इस पे नेगेटिव चार्ज पहले अटैक करता है. इट इज कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इसीलिए इसको हम न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कहते हैं. तो इसके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे, इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक सिलेबस में है, बट अभी मैंने बोला था इसलिए इसको एक्सप्लेन कर दिया. हा? तो दिस इज अबाउट द इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट. अब अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे मेसोमेरिक इफेक्ट और हाइपर कॉन्जुगेशन के बारे में, एंड अबाउट सो मेनी स्ट्रक्चर्स, है ना, बहुत सारे स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करना है. देन फिर एसिडिक और बेसिक नेचर को समझना है. ये बहुत बड़ा पोर्शन है, कभी ऐसा एंडलेस पोर्शन है. मैंने आपको बताया कि कभी मैं ऐसा कोई नहीं कह सकता कि उसने पूरा मैकेनिज्म खत्म कर दिया, सब कुछ कवर हो गया, ऐसा नहीं हो सकता. प्रैक्टिस चाहिए, प्रैक्टिस, आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना है, उसके लिए टाइम देना है सब्जेक्ट को. ओके, थैंक यू.